नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु राशि फल के बारे में। धनु राशि फल जो कि माह अगस्त के लिए होगा। संपूर्ण माह अगस्त में धनु राशि के जातकों के लिए कहां पर सौगातें मिलने वाली है, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं, ओवरऑल ये जो माह अगस्त है ये धनु राशि के जातकों के लिए कैसा जाएगा, ये इस वीडियो में हम समझेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको इस वीडियो के आखिर में यह भी बताऊंगा कि ऐसे क्या सटीक उपाय किए जाने चाहिए जिनको करने के बाद ओवरऑल प्रॉस्पर्टी महसूस हो। प्रॉस्पर्टी का मतलब उन्नति, सफलता, खुशी, खुशहाली, अन्नपूर्णा, बरकत, ये सब महसूस हो, ये सब हो, ये सब बने। तो ऐसे उपाय भी इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो उन्हें भी आप ज़रूर देखिए। चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि भाई ये जो अगस्त माह है ये धनु राशि के जातकों के लिए या फिर आपके लिए कैसा जाएगा। एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले नौकरी और व्यवसाय के लिए यहाँ पर हम बात करें तो कहीं ना कहीं संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, पॉलिटिक्स महसूस हो सकती है, किसी के द्वारा पीछे खींचना आपको ऐसा लग सकता है, आपको ये लग सकता है कि यार मेरी शिकायत कोई और कहीं जा करके कर रहा है जो कि झूठी शिकायत है, इस तरह की स्थिति यहाँ पर निर्मित हो सकती है। हिडन एनिमीज, अभी डायरेक्ट एनिमीज तो आपके बन सकते हैं, आपको ये लग सकता है कि यार ये मेरा शत्रु है, ये मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियाँ भी निर्मित हो सकती है कि आपको पता ही ना चले कि ये चीज़ बिगड़ी और किसने बिगाड़ी। तो इसे कहते हैं हिडन एनिमीज या फिर पॉलिटिक्स हो जाना हमारे साथ। तो नौकरी यदि आप करते हैं तो वहाँ पर इस स्थिति का निर्माण हो सकता है। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो भी कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो आप पर अटैक करेंगे और आप पर अटैक करके आपको कम करने का या दबाने का प्रयास करेंगे। यहां पर कुछ हद तक मुझे सक्सेस होते हुए भी दिखते हैं आपके कॉम्पिटिटर्स, और आपको तनाव हो, आपको चिंता हो, आपको प्रेशर हो, ऐसे योग भी मुझे यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद यदि हम चर्चा करें, आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी यही कहूँगा कि प्रेशर ज़्यादा महसूस होगा आपको, यहाँ पर मेहनत ज़्यादा करना पड़ सकती है। मेहनत ज़्यादा करने के साथ साथ उसके बदले में रिटर्न्स जो मिलते हैं वो उतने आपको ना मिले, ऐसे योग ज़रूर से मुझे बनते हुए दिखते हैं। हो सकता है कि पहले कभी आपने बहुत मन लगा करके मेहनत की हो, पढ़ाई की हो, उसका रिजल्ट अभी आना हो, वो आपको उतना अच्छा ना मिले, या फिर आने वाले वक्त में कोई एग्ज़ाम है और आज आप पढ़ाई करना चाह रहे हो तो अच्छे से एटमॉस्फेयर ना बन पाए, या फिर आपकी याददाश्त उतना अच्छा ना काम कर पाए, ऐसी स्थितियाँ, ऐसे हालात यहाँ पर बनेंगे। कोई बात नहीं, मेहनत ज़्यादा कीजिए, सफल बनिए, और इस वीडियो के आखिर में मैं जो उपाय दे रहा हूँ वो उपाय भी आप ज़रूर कीजिए। इसके बाद में यदि हम चर्चा करें कि आप की पारिवारिक स्थिति के बारे में, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी इस बारे में, तो भाई पारिवारिक स्थिति जो है वो अच्छी रहेगी। परिवार का सहयोग, परिवार का साथ ज़रूर से आपको मिलेगा। परिवार का साथ मिलने के साथ साथ जो संबंध है और भी ज़्यादा मधुर होने के योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नज़र आते हैं, और संबंध मधुर होंगे, कहीं बाहर घूमने फिरने जाने के बारे में आप सोच सकते हैं और आप जाएंगे भी, और जिस वजह से कहीं ना कहीं पारिवारिक दृष्टिकोण से खुशहाली, एक खुशी, एक संतुष्टि आपको ज़रूर से यहाँ पर इस माह के लिए बनेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं डावाडोल रह सकता है अधिकतर, क्योंकि आप जो भी काम करते हैं, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे नौकरी करें, चाहे व्यवसाय करें, प्रेशर यदि महसूस होता है तो चिंता तनाव होता है, लेकिन परिवार के साथ यदि आप रहते हैं तो वो चिंता तनाव या एंजाइटी या फिर प्रेशर ये थोड़ा सा आपको कम महसूस होगा, लेकिन फिर भी हम ज़्यादातर बात करें तो चिंता तनाव के योग बनते हुए नज़र आते हैं। तो मानसिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं ये जो माह है उतना अच्छा नहीं है, लेकिन शारीरिक दृष्टिकोण से बात करें तो शारीरिक स्वास्थ्य जो है आपका अच्छा रहेगा, बढ़ा चढ़ा रहेगा। लंबी बीमारी यदि आपकी है तो रूटीन में जो उसका आप चेकअप करते हैं, रूटीन में आप जो उसका ध्यान रखते हैं वो रखिए, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य बीमारियां जो होती हैं, सीजनल बीमारियां या फिर इम्यून सिस्टम की वजह से बनने वाली बीमारियां, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको बहुत ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का, शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली यदि प्रेम प्रसंग की बात करें तो प्रेम प्रसंग में भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर हार का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम प्रसंग में यदि आप प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर किसी का एक्सेप्टेंस मिले या सहयोग मिले, ऐसे मुझे खास नहीं दिखते, तो इसमें भी मुझे उतना कोई खास अच्छा समय नहीं दिखता। तो ओवरऑल यदि मैं आपसे कहूँ तो पारिवारिक दृष्टिकोण से समय ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत खुशहाली पूर्ण समय है, लेकिन दूसरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं संघर्ष या मेहनत या प्रेशर या चिंता तनाव आप ज़रूर से यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको दिया प्रेडिक्शन जो कि ग्रहों के गोचरों पर आधारित था और अगस्त माह के लिए था।
अब मैं आपको बताता हूँ उपाय, ऐसे क्या सटीक उपाय किए जाए जिन्हें करने से ये जो समस्याएं मैंने जितनी आपको बताई हैं इन समस्याओं को भी कम किया जा सके, प्रॉस्पर्टी आपको मिले, समृद्धि मिले, खुशहाली मिले, उन्नति मिले, प्रोग्रेस आपको मिले, चाहे धन में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे किसी भी तरह की प्रोग्रेस हो। तो उपायों में आपको सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि आपके जो भी गुरु हों, जी हाँ, जिन्हें आप गुरु मानते हैं, अभी ये गुरु आपके हो सकते हैं वो लिविंग हो, मतलब वो जीते जागते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो लिविंग ना भी हो। जैसे उदाहरण के तौर पर आप गुरु मानते हैं साईं बाबा को, वो फिलहाल शारीरिक तौर पर यहाँ पर नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो आपके साथ रहते हैं। तो आप जिस भी शहर में हैं वहाँ पर यदि आसपास कहीं मंदिर है तो हर गुरुवार के दिन आपको मंदिर जाना चाहिए। सुबह जाएं ये ज़्यादा अच्छी बात है, शाम में जाना हो तो जाइए, लेकिन सुबह आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। ऐसे कोई और आप किन्हीं और को गुरु मानते हैं, कई लोग शिव शंकर भगवान को गुरु मानते हैं, कई लोग हनुमान जी को गुरु मानते हैं, कई लोग के लिविंग गुरु होते हैं जिन्हें वो जो जीवित हैं और उन्हें मानते हैं। तो आपको हर गुरुवार वहाँ पर जो भी उनका मंदिर हो या फिर उनका आश्रम हो या उनका घर हो वहाँ पर जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए। विजिट करने के साथ साथ एक नारियल भी आपको लेकर के जाना चाहिए और कुछ दक्षिणा, दक्षिणा का मतलब 11 रुपए भी चलेगा, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये ले जा करके आपको चढ़ाना चाहिए और चढ़ा करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। उनके जो भी साहित्य हैं, साहित्य मतलब कि जैसे आपके गुरु हैं तो उनके द्वारा लिखी गई कोई पुस्तक हो, उदाहरण के तौर पर आप हनुमान जी को गुरु मानते हैं तो उनके सुंदरकांड या हनुमान चालीसा, शिव शंकर भगवान को गुरु मानते हैं तो शिव चालीसा, या फिर साईं बाबा को गुरु मानते हैं तो उनके द्वारा लिखी गई या उनके बारे में लिखी गई जो भी कथाएँ हैं उनको यदि आप पढ़ते हैं गुरुवार के दिन तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सुबह सुबह ये पढ़ना और स्पेशली मंदिर, आश्रम या घर जा कर के पढ़ना या उनसे सीखना ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और ये जो कार्य आप करेंगे, इवन नारियल भी आप चढ़ाएंगे, ये कार्य जो आप करेंगे ये आपको इन सारी समस्याओं से निकालने का काम करेगा। बहुत आसान सा ये उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा सटीक उपाय है, इसके अलावा और कुछ खास करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको एक सटीक उपाय भी बताया, साथ ही साथ हमने अगस्त माह के राशिफल के बारे में भी जाना। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आपने वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।